राजधानी दिल्ली में चोरों ने 25 करोड़ रुपए की चोरी करके दिल्ली पुलिस की टेंशन को बढ़ा दिया है। चोरों ने शोरूम की पहले पूरी रेकी करने के बाद ही वारदात को अंजाम दिया। शातिरों ने पहले तो इलेक्ट्रॉनिक पैनल को तोड़ा ताकि बिजली की सप्लाई को बंद किया जा सके, फिर स्ट्रांग रूम की एकमात्र सीमेंट की दीवार को तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। पुलिस के प्राथमिक जांच इन्हीं तथ्यों पर आगे बढ़ रही है। पुलिस को शक है कि कोई करीबी या परिचित वारदात में शामिल रहा है। शोरूम के स्ट्रांग रूम की 4 दीवारें हैं, 1 दीवार सीमेंट की, बाकी 3 लोहे की बनी है। ऐसे में बदमाशों को पहले से पता था कि स्ट्रांग रूम के लोहे की दीवारों को आसानी से नहीं काटा जा सकता, इसलिए उन्होंने सीमेंट की दीवार को ही आसान निशाना बनाया। पुलिस का शक शोरूम के पूर्व वर्तमान कर्मचारियों व पीड़ित करीबियों पर गहराया व पीड़ित के करीबियों पर गहरा गया है। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए शोरूम के पूर्व कर्मचारियों की भी जानकारी ली। इसके अलावा वर्तमान कर्मचारियों से भी गहन पूछताछ की जा रही है। चोरों को यह भी पहले से पता था कि शोरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे और अलर्ट अलार्म कहां कहां लगा है। इनको बंद करने के लिए आरोपियों ने दीवार काटने से पहले इलेक्ट्रॉनिक पैनल को क्षतिग्रस्त कर सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन काट दिए। इससे शोरूम के अंदर बिजली की आपूर्ति बंद हो गई और फिर आरोपित शोरूम के अंदर घुसे। चोरों ने शोरूम के अंदर लगे कई सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। चोरों ने दीवार को काटने के लिए ड्रिल मशीन जैसे गैस कटर और हथौड़े का इस्तेमाल किया। आरोपितों ने दीवार के सीमेंट को ड्रिल मशीन और सरिये को गैस के कटर से काटा है, फिर कुछ हिस्से को हथौड़े से तोड़ा। दीवार के छेद के पास एक हथौड़ा और सरिया मिला है। उमराव ज्वेलर्स भोगल क्षेत्र का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम है। मालिक संजय जैन ने बताया कि उनका शोरूम 75 साल से। शोरूम में करीब 10,000 कर्मचारी काम करते हैं। संजीव का कहना कि इससे पहले कभी ऐसी वारदात नहीं हुई। उन्होंने किसी पर शक जाहिर करने से इनकार कर दिया। आगामी त्योहारों की वजह से शोरूम में करोड़ों के तैयार आभूषण और हीरे के सेट रखे थे। इन्हें विशेष तौर पर दीपावली, धनतेरस सहित अन्य त्योहारों के लिए रखा गया था। पुलिस का मानना है कि आरोपितों को स्ट्रांग रूम के अंदर रखे आभूषणों की भी सटीक जानकारी थी। पुलिस को मामले से जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज मिली है, इसमें 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं, हालांकि इनकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस का दावा कि वारदात में 5 से 6 आरोपितों की संलिप्तता हो सकती है। बताया जा रहा है कि चोरों ने स्ट्रांग रूम के अंदर घुस करके 32 लॉकर को गैस के कटर से काट दिया, फिर लॉकर से आभूषणों को चोरी की। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए शोरूम की बिल्डिंग के आसपास 5 छतों के सैंपल इकट्ठा किए। इन घरों में रहने वाले लोगों के भी फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि चोर किसी दूसरे बिल्डिंग के छत से शोरूम की छत पर पहुंचे थे। क्या शोरूम के पीछे कोई गली भी नहीं है, यहाँ सारे मकान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चोरों ने शोरूम में बेसमेंट के लिए जाने वाली सीढ़ियों से जुड़ी 1.5 फीट की दीवार में सेंध लगाई। इस वारदात को दिल्ली की सबसे बड़ी चोरियों में से एक बताया जा रहा है। चोरों ने दक्षिण पश्चिम जिले के जंगपुरा स्थित भोगल इलाके में एक ज्वेलरी के शोरूम में 25 करोड़ रुपए की चोरी कर ली। बदमाश शोरूम के स्ट्रांग रूम की दीवार में एक बड़ा छेद कर अंदर घुसे और आभूषण, हीरे व नकदी चोरी कर ले गए। जब मंगलवार को शोरूम खोला गया तो वारदात का पता चला। इसकी सूचना मिलते ही निजामुद्दीन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मालिक शोरूम के संजीव जैन ने बताया कि उन्होंने रविवार रात को 8 बजे शोरूम बंद किया था। सोमवार को बाजार का साप्ताहिक अवकाश था। जब उन्होंने सुबह करीब 10:30 बजे शोरूम खोला तो उसके बाद अंदर धूल ही धूल भरी थी। अंदर जाकर के देखा तो सीढ़ियों के तरफ से स्ट्रांग रूम की दीवार में छेद कर रखा था। स्ट्रांग रूम से करीब 20 से 25 करोड़ रुपए के आभूषण गायब थे। पुलिस को शक है कि चोरों ने रविवार रात को ही वारदात को अंजाम दिया। VideoDesk AmarUjala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।